इस एपिसोड में हम शेरलॉक का चौथा केस देखेंगे, जिसमें आप शेरलॉक की रोमांटिक साइड भी देखने वाले हैं। पिछले केस के अंत में शेरलॉक और वॉटसन मोरेटी और उसके आदमियों से घिरे हुए थे। शेरलॉक मोरेटी को धमका रहा था कि अगर तुमने हमको शूट किया तो हम बॉम्ब को शूट कर देंगे, लेकिन मोरेटी कहां मानने वाला था। वो शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक कॉल आता है। कॉल अटेंड करके न जाने मोरेटी को क्या हुआ, वो इन दोनों को जिंदा छोड़कर चला जाता है। शेरलॉक और वॉटसन सोचने लगते हैं कि मोरेटी को किसने कॉल किया होगा जो वो इस तरह चला गया। मोरेटी को एक औरत का कॉल आया था और वो उस औरत को नहीं जानता था। चलो जान बची, ऐसा सोचकर शेरलॉक और वॉटसन वहां से चले जाते हैं। अब वे कई केसेस सॉल्व करने लगते हैं। वे सिर्फ इंटरेस्टिंग केस ही लेते हैं और हर इंटरेस्टिंग केस सॉल्व करने के बाद वॉटसन अपने ब्लॉग में पूरी केस डिटेल्स अपलोड कर देता है। मतलब केस क्या था, उन्हें क्लूज कैसे मिले और उन्होंने केस को कैसे सॉल्व किया, इस तरह की सारी डिटेल्स उस ब्लॉग में होती है। लोग उन ब्लॉग्स को पढ़ते हैं और ये दोनों जल्दी बहुत फेमस हो जाते हैं। अब कई लोग शेरलॉक से मिलने आते हैं कि सर मेरी ये चीज खो गई है, वो चीज खो गई है, बाहर सुखाया हुआ अंडरवियर चोरी हो गया है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे केसेस सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन इतने फेमस हो जाते हैं कि घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ होती है। शेरलॉक उनसे विनती करता है कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ यार, इस तरह मेरी फोटो मत खींचो। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एक कैप पहन लेता है, लेकिन ये कैप ही उसकी पहचान बन जाती है। शेरलॉक को कैप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वॉटसन उसे कन्विंस करता है कि अब लोग तुम्हें इसी कैप से पहचानेंगे, इसलिए इसे कभी मत निकालना। इस तरह केस सॉल्व करते दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक आदमी शेरलॉक से मिलने आता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। मिसेस हडसन बहुत डर जाती है। कुछ देर में वो उठकर अपनी पूरी बात बताता है। मैं अपनी कार से जा रहा था कि अचानक कार रुक गई। मैं नीचे उतरकर कार को चेक कर रहा था, तब दूर एक आदमी आसमान को देखता हुआ खड़ा था। मैंने कार ठीक करके स्टार्ट की तो एक भारी आवाज आई। मैंने देखा कि दूर खड़ा वो आदमी नीचे गिर पड़ा था। पास जाकर देखा तो वो मर गया था, पता नहीं उसे क्या हुआ, इसलिए मैं घबराकर आपके पास चला आया। ये सुनकर शेरलॉक वॉटसन को वहां भेजता है और कहता है मैं ये केस को वीडियो पर ही सॉल्व कर दूंगा। अब स्पॉट पर पहुंचकर वॉटसन वीडियो कॉल पर शेरलॉक को सारी डिटेल्स दिखाता है। तभी शेरलॉक को पीछे से एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। उसे देखते ही शेरलॉक उसे एनालाइज करने लगता है कि उसका कोट सूट बहुत महंगा होगा, लगभग 700-800 pounds का ही होगा। मतलब ये साधारण आदमी नहीं है, किसी बड़ी जगह में काम करता है। उसके शूज से पता चलता है कि वो इंडोर्स में काम करता है। उसका हेयर कट बताता है कि वो ऑफिस वर्क करता है। उसकी पैंट पर 3 टैग के कुत्तों के बाल लगे होते हैं, मतलब ये जरूर किसी रॉयल फैमिली के लिए काम करता है। और इसके पास कोई गन भी नहीं है, मतलब इसे जरूर मेरी जान पहचान की किसी आदमी नहीं भेजा होगा। अब शेरलॉक सोचने लगता है कि मेरी पहचान का रॉयल फैमिली में कौन है। अरे अपना भाई माइक्रोफ्ट को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसे जरूर माइक्रोफ्ट नहीं भेजा होगा। इस तरह उस आदमी के मुंह खुलने से पहले शेरलॉक लगभग पूरी बात जान लेता है और उस आदमी को मना कर देता है। लेकिन वो आदमी जिद करता है और शेरलॉक को कोट सूट पहनने को कहता है, लेकिन शेरलॉक नहीं मानता। वो बेचारा शेरलॉक को एक ब्लैंकेट में कवर करके रॉयल पैलेस में लेके जाता है। वहाँ वॉटसन को भी हेलीकॉप्टर में पिकअप करके पैलेस में लाया जाता है। ये क्या चल रहा है शेरलॉक, केस के बीच ये लोग मुझे यहाँ क्यों उठा ले आए और तुम इस तरह ब्लैंकेट ओढ़कर क्यों बैठे हो। एक्चुअली वॉटसन, मुझे यहाँ फ्री मसाज मिलने वाली है, इसलिए ब्लैंकेट ओढ़कर आया हूँ। इस पर दोनों हंस हंसकर पागल हो जाते हैं। तब माइक्रोफ्ट वहाँ आकर उन्हें डांटता है कि तुम दोनों बड़े कब होंगे। हाँ ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ, पहले तुम ठीक से कपड़े पहनो शेरलॉक। शेरलॉक मना करके वहाँ से जाने लगता है कि माइक्रोफ्ट उसके ब्लैंकेट पर पैर रख देता है और ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है और पूरा वस्त्र हरण होने से पहले ही शेरलॉक रुक जाता है और कहता है माइक्रोफ्ट ब्लैंकेट छोड़ दो वरना तुम्हारी आंखें जल जाएंगी। छोड़ दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस लेना ही पड़ेगा। शेरलॉक कहता है कि हाँ मेरे भाई केस तो ले लूंगा, लेकिन डिटेल्स कौन बताएगा। वो तो मैं ही बताऊंगा छोटू, लेकिन तुम पहले ड्रेस तो पहनो। आखिर भाई की बात मानकर शेरलॉक ड्रेस पहन लेता है। माइक्रोफ्ट बताता है कि रॉयल फैमिली की एक लड़की की प्राइवेट फोटोज इरेन एडलर नाम की लड़की के मोबाइल में है और प्रॉब्लम यह है कि अब इरेन इस लड़की को धमका रही है कि वो फोटोज लीक कर देगी। ऐसा हुआ तो रॉयल फैमिली की छोटी सी नाक कट जाएगी। मेरे पास कई सीक्रेट एजेंट है, लेकिन मैं उन्हें ये काम नहीं देना चाहता क्योंकि उनके जरिए भी ये बात लीक हो सकती है। मैं सिर्फ तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। शेरलॉक कहता है कि वो तो ठीक है बड़े भाई, पर रॉयल फैमिली इरेन को पैसे देकर वो फोटोज क्यों नहीं ले लेती। शेरलॉक, इरेन को पैसों की नहीं प्रोटेक्शन की जरूरत है। दरअसल कई लोग उसका खून करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोचती है कि इन फोटोज के नाम पर वो रॉयल फैमिली को ब्लैकमेल करेगी तो रॉयल फैमिली उसकी रक्षा करेगी। और ये है इरेन की फोटो और उसका एड्रेस। अब फोटो देखते ही शेरलॉक को इरेन से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन वो जरा भी रिएक्ट नहीं करता। फिर शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि अब हमें इरेन के घर जाना है, लेकिन हमें कैजुअल मीटिंग की तरह जाना पड़ेगा, इसीलिए हम टैक्सी में ही चलेंगे। अब वे टैक्सी में जा रहे होते हैं। इरेन के भी कई इन्फॉर्मर्स होते हैं और उसे पता चल जाता है कि शेरलॉक उसके घर आने वाला है। वो अपने सारे ड्रेसेस ट्राई करती है और किसी तरह शेरलॉक को इम्प्रेस करना चाहती है। दरअसल वो भी शेरलॉक को बहुत पसंद करती है। अब इरेन के
घर के पास आने पर शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि तुम मेरे मुंह पर जोर का मुक्का मारो ताकि मेरे मुंह से खून निकले, फिर मैं मदद मांगने के बहाने इरेन के घर चला जाऊंगा। शेरलॉक तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अबे वॉटसन तुम मार नहीं सकते तो ये लो मेरा मुक्का। अब ये कहकर वॉटसन का मुंह तोड़ देता है। अब वॉटसन को गुस्सा आता है और शेरलॉक को मुक्के पे मुक्का मारने लगता है। शेरलॉक बेचारा जान की भीख मांगने लगता है, तब जाकर वॉटसन शांत होता है। फिर शेरलॉक इरेन के घर जाकर कहता है कि किसी पॉकेट मार ने मेरे पैसे ले लिए हैं और मैंने उसको रोकना चाहा तो कलमुहे ने मुझे मार मार कर मेरी हालत बना दी है। आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए, तब तक मैं जरा घर के बाहर बैठ जाता हूँ। अब इरेन और उसके आदमी जानते हैं कि ये शेरलॉक है और इरेन से मिलने ही आया है। इरेन उसे अंदर अलाउ करती है तो वॉटसन भी अंदर आता है। उसे देखकर इरेन पूछती है, तुम कौन हो एक्स्ट्रा पॉकेट? मैडम ये आदमी जब मार खा रहा था तो मैं दूर से इसको देख रहा था। इरेन हंसकर उसे भी अंदर बुलाती है। अब शेरलॉक अंदर बैठा होता है और तभी इरेन उसके सामने आती है। उसे बेकपड़ा देखकर शेरलॉक बिल्कुल शॉक में चला जाता है। उसके चेहरे से शेरलॉक कुछ एनालाइज करने की कोशिश करता है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब वॉटसन भी अंदर आ जाता है और उसे भी शॉक लग जाता है। शेरलॉक जल्दी से उसको बाहर जाने को कहता है। सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी बाहर जाओ कहकर वॉटसन शेरलॉक को भी बुलाता है लेकिन शेरलॉक विनती करता है तो वॉटसन उदास होकर बाहर चला जाता है। ये शेरलॉक का प्लान था क्योंकि वो इरेन का मोबाइल ढूंढना चाहता था जिसमें राज परिवार की लड़की की फोटो है। इरेन ने जरूर उसे कहीं छुपा कर रखा होगा। उस जगह का पता लगाने के लिए वॉटसन का बाहर जाना बेहद जरूरी था। बाहर वॉटसन आग लगाकर उसे ऊपर के फायर अलार्म के पास ले जाता है और अलार्म बजने लगता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में इरेन घबरा जाती है और एक आईने की ओर देखती है। शेरलॉक गैस करता है कि उसका मोबाइल उसी आईने में है और वहाँ जाकर एक लॉकर को ढूंढ निकालता है लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। जब शेरलॉक पूछता है तो इरेन कहती है कि उसका पासवर्ड तो तुम पहले ही देख चुके हो। शेरलॉक सोच में पड़ जाता है कि वो क्या पासवर्ड है जो मैंने पहले ही देख लिया। तभी अचानक कई आदमी गन लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वो इरेन को पकड़ लेते हैं और वॉटसन के सर पर भी गन पॉइंट करते हैं। दरअसल इरेन का मोबाइल में न सिर्फ रॉयल फैमिली लड़की की फोटोज हैं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई सीक्रेट फाइल्स भी होती हैं। कुछ टेररिस्ट ग्रुप को उन फाइल्स की जरूरत है और ये भी वैसा ही एक टेररिस्ट ग्रुप है। वे शेरलॉक से उन के बारे में पूछते हैं। शेरलॉक कहता है, मुझसे क्यों पूछते हो? इस औरत ने उसे पासवर्ड से लॉक करके रखा है और पासवर्ड भी नहीं बता रही है। वो कहते हैं कि ओवर एक्टिंग मत करो शेरलॉक, सीधे सीधे पासवर्ड बता दो वरना तुम्हारे दोस्त का सर फट जाएगा। इरेन किसी भी हालत में पासवर्ड नहीं बताने वाली, मुझे गैस करना पड़ेगा। ये सोचकर शेरलॉक काम पर लग जाता है। उस लॉकर के नंबर कीज को शेरलॉक ध्यान से देखता है। नॉर्मली पासवर्ड के पहले नंबर की पर तेल लगा होता है क्योंकि हम उसे ही पहले प्रेस करते हैं और हाथ में लगा हुआ तेल उस पर लग जाता है। इस तरह शेरलॉक गैस करता है कि फर्स्ट नंबर 3 है। अगले नंबर के लिए शेरलॉक सोच रहा होता है कि अचानक उसे इरेन की बात याद आती है कि तुम पासवर्ड ऑलरेडी जान चुके हो। शेरलॉक चारों ओर देखता है कि शायद कोई नंबर है जो उसने पहले देख लिया होगा लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। तब वो समझ जाता है कि पासवर्ड खुद इरेन है, मतलब उसकी बॉडी का मेजरमेंट ही पासवर्ड हो सकता है, यानी 32 24 34। इस पासवर्ड से लॉकर खुल जाता है लेकिन लॉकर को खुलने से पहले शेरलॉक सोचता है कि इतने इंपॉर्टेंट मोबाइल फोन के लिए इतना आसान पासवर्ड कौन लगाएगा। उसे दाल में कुछ काला लगता है और लॉकर खोलते ही वो झुक जाता है और खुलते ही लॉकर के अंदर से एक गन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है और एक टेररिस्ट को गोली लग जाती है। अब शेरलॉक इरेन और वॉटसन तीनों मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं। तब शेरलॉक इरेन का मोबाइल निकाल लेता है और उसमें से वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन इरेन ने मोबाइल को पासवर्ड लॉक कर रखा होता है और कहती है कि तुम इसका पासवर्ड कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। लेकिन शेरलॉक नहीं मानता। इतने में इरेन उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन देकर फ्लैट कर देती है और फोन लेकर वहां से बच निकलती है। अब होश के जाते जाते शेरलॉक को उस दूसरे केस की याद आती है जिसमें आसमान को देखता हुआ आदमी अचानक गिरकर मर गया था और कार में बैठे आदमी को बाहरी आवाज सुनाई दी थी। अब वो मन ही मन उस केस को सॉल्व करने लगता है लेकिन उसके ख्यालों में इरेन भी आ जाती है और उस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करती है। उस आदमी की लाश को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो हाइकिंग करने आया था लेकिन वो आसमान में क्या देख रहा था? क्या वो इंद्रधनुष या किसी पक्षी को देख रहा था? नो चांस। दरअसल उसने एक बूमरैंग को ऊपर देखा था इसीलिए वो ऊपर की ओर देख भी रहा था। उसी वक्त एक आदमी कुछ दूर पर अपनी कार ठीक कर रहा था और बाद में उसने कार स्टार्ट की। स्टार्ट करते ही कार वाले को अपनी कार से एक्सप्लोजन की आवाज आई थी। ठीक उसी वक्त दूर खड़े उस आदमी को उसी के बुमरैंग ने आकर अटैक कर दिया था, इस वजह से वो मर भी गया। इस तरह बेहोशी की हालत में भी शेरलॉक एक केस मनी मन सॉल्व कर देता है। होश आने के बाद शेरलॉक को इरेन का एक मैसेज आता है। शेरलॉक ने अपने मैसेज रिंगटोन में एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सेट की होती है लेकिन शेरलॉक इरेन का मैसेज इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ माइक्रोसॉफ्ट आता है। शेरलॉक बताता है कि इरेन के मोबाइल में सिर्फ प्राइवेट फोटोज ही नहीं बल्कि कई गवर्नमेंट सीक्रेट भी हैं जिन्हें पाने के लिए कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे वो मोबाइल वापस लाना ही होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि
उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे हम खुद ये केस सॉल्व कर देंगे, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहकर वो चला जाता है। शेरलॉक भी इस केस को छोड़ देता है, लेकिन इरेन उसे मैसेज करती है कि आज डिनर पे चलें। वॉटसन की ब्लॉग्स पढ़कर तो मैं तुम पर फिदा हो गई, चलो ना डिनर पे, लेकिन शेरलॉक उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। अब क्रिसमस भी आ जाता है और सब सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, तब वहाँ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस और मेकअप में मॉली आती है। उसे देखते शेरलॉक कहता है, तो मॉली लगता है तुम इतनी सज धज कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो। बॉयफ्रेंड का नाम लेते ही तुम बहुत नर्वस हो रही हो, मतलब तुम उसके बारे में बहुत ही सीरियस हो। अरे ये खूबसूरत गिफ्ट भी तुम उसी के लिए लाई हो ना। ये कहकर वो गिफ्ट उठाता है तो उसमें शेरलॉक लिखा होता है। मॉली शेरलॉक को बहुत पसंद करती है और ये गिफ्ट वो शेरलॉक के लिए लाई थी, लेकिन जल्दबाजी में शेरलॉक ने बेचारे का दिल दुखा दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो मॉली से माफी मांगता है और बड़े प्यार से बात करता है। मॉली भी खुश हो जाती है। तभी एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है। शेरलॉक चौंक कर पूछता है कि मॉली ये पब्लिक में क्या कर रही हो। शेरलॉक मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आवाज कहीं और से आ रही है। ओ मैं तो भूल ही गया, ये मेरे मैसेज की रिंगटोन है। मॉली कहती है कि ऐसे भी कोई रिंगटोन सेट करता है क्या भला। नहीं मॉली, ये मैंने सेट नहीं किया। फिर वो मैसेज खोलता है। इरेन ने उसे मैसेज किया होता है कि घर जाकर देखो। अब शेरलॉक भी घर जाकर देखता है तो वहाँ एक गिफ्ट रखा होता है। शेरलॉक गिफ्ट खोलता है तो अंदर इरेन का मोबाइल होता है और वो भी पासवर्ड लॉक्ड होता है। इरेन किसी भी हालत में मोबाइल किसी को नहीं देने वाली थी। अगर उसने मुझे मोबाइल भेजा है तो इसका मतलब कि इरेन अब जिंदा नहीं रही। शेरलॉक माइक्रोसॉफ्ट को फोन करता है तो वो भी कन्फर्म करता है कि इरेन मर चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट और शेरलॉक इरेन की लाश को देखते हैं। लैब की टेक्नीशियन मॉली इरेन का चेहरा दिखाती है। अब शेरलॉक कहता है कि मुझे इरेन का चेहरा नहीं, उसकी बॉडी दिखाओ। मॉली वैसा ही करती है और तब जाकर शेरलॉक कन्फर्म करता है कि इरेन रही नहीं। फिर शेरलॉक चला जाता है। मॉली कंफ्यूज होती है कि चेहरे से पहचानने की बजाय शेरलॉक ने शरीर क्यों देखने को कहा। अब शेरलॉक बहुत ही उदास बैठा होता है और माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी बात का जवाब नहीं देता। माइक्रोसॉफ्ट वॉटसन को कॉल करके कहता है कि इरेन की मौत के बारे में जानते ही शेरलॉक ऐसा बैठा हुआ है जैसा उसका लव फेलियर हो गया हो, इसे तुम संभाल लेना। घर आकर शेरलॉक वायलिन बजाता है। फिर वो इरेन का मोबाइल निकाल कर उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। पासवर्ड 4 नंबर्स या अक्षरों का है। तब शेरलॉक लैपटॉप में वॉटसन का ब्लॉग देखता है तो उसमें काउंटिंग नंबर 1895 करके रुका होता है। शेरलॉक इस नंबर को पासवर्ड की जगह पर ट्राई करता है लेकिन वो गलत होता है। अब सिर्फ 3 चांसेस बचे होते हैं और अगर तीनों बार गलत पासवर्ड लगाया तो फिर इस फोन को कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, मोबाइल में रखे हुए सारे इन्फॉर्मेशन मिट जाएगी। अब शेरलॉक दोबारा वायलिन बजाने लगता है। उसकी हालत देखकर वॉटसन भी उदास होकर बाहर जाता है। तब एक लड़की उसे अपने साथ चलने को कहती है और ठीक वक्त पर एक कार भी वहां आ जाती है। वॉटसन सोचता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसे बुलाया होगा, ये सोचकर वो कार में बैठ जाता है। लेकिन कार एक गोडाउन में जाकर खड़ी होती है। वॉटसन वहां माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढने लगता है लेकिन वो नहीं होता। ये क्या, ये तो इरेन है, मतलब ये मरी नहीं। इरेन बताती है कि मैं इस दुनिया की नजरों में मर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे मोबाइल के जरिए मुझ तक पहुंचे, इसलिए मैंने मोबाइल शेरलॉक को भेज दिया। लेकिन अब मुझे उस फोन की जरूरत है और तुम मुझे वो फोन लाकर दोगे। वॉटसन कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी लाश देखकर वो घर पर बैठकर वायलिन का गला काटा जा रहा है। तुम उसे मैसेज करो कि तुम जिंदा हो, फिर कुछ बात बन पाएगी। इरेन शेरलॉक को मैसेज करती है और तब वहाँ एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये शेरलॉक के फोन का मैसेज रिंगटोन है और वो भी यही है। दरअसल वो वॉटसन को फॉलो करते हुए यहाँ आया था और अब ये जान गया कि इरेन जिंदा है। वो भी इरेन को पसंद करता है लेकिन उसे बताना नहीं चाहता। इरेन की सच्चाई जानकर वो घर लौट आता है लेकिन लगता है किसी ने घर का दरवाजा तोड़ा था। अब शेरलॉक अंदर जाकर देखता है कि मिसेस हडसन की कुछ चीजें नीचे रखी होती है। मिसेस हडसन अपनी चीजें इस तरह कभी नहीं रखती। शेरलॉक जान जाता है कि वो नीचे नहीं है। शेरलॉक ऊपर रहता है और ऊपर अपने घर की ओर सीढ़ियों पर चढ़ता है तो देखता है कि वहां कुछ दाग लगे हुए हैं। शेरलॉक गैस करता है कि कोई जबरदस्ती मिसेस हडसन को ऊपर ले गया और ऊपर रस्सी से बांध कर रखा है। शेरलॉक ने बिल्कुल ठीक गैस किया। उस टेररिस्ट ग्रुप ने मिसेस हडसन को बांध कर रखा होता है और उसे गन पॉइंट पर धमका रहे होते हैं। दरअसल उनका टारगेट इरेन का मोबाइल फोन है जो शेरलॉक के पास है। शेरलॉक उनके चीफ से कहता है कि मैं वो फोन दे दूंगा लेकिन तुम्हारे आदमी को यहाँ से बाहर भेजो। अब चीफ भी सबको बाहर भेज देता है। अब शेरलॉक कहता है कि सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मिसेस हडसन कैसी है, कहीं तुम लोगों ने उसको मारा तो नहीं। ये कहकर वो मिसेस हडसन के पास जाता है तो उसके शरीर पर घाव होते हैं। शेरलॉक को गुस्सा आ जाता है और वो चीफ के शरीर के वीक पॉइंट्स स्कैन करने लगता है। फिर चीफ शेरलॉक को चेक करता है लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं होता। अब शेरलॉक के कैन निकाल कर उसके मुंह पर स्प्रे करता है और उसकी खूब धुलाई करता है। इस भली औरत को तुमने घायल किया, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे रस्सी से बांध देता है। तब वॉटसन आ जाता है। शेरलॉक डिटेक्टिव ग्रेग को कॉल करके पूरी बात बताता है और कहता है कि टेररिस्ट का चीफ हमसे बचने के लिए टेरेस से कूद पड़ा, तुम अपने साथ एम्बुलेंस भी ले आना। ये कहकर वे उस आदमी को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। कुछ देर में ग्रेग आ जाता है और टेररिस्ट चीफ को देखकर शेरलॉक से पूछता है। इसकी हालत देखकर तो ये नहीं लगता कि ये एक बार ऊपर से नीचे कूदा है।
शेरलॉक तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ग्रेग, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? लेकिन असल में शेरलॉक ने उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंका, फिर उसे दोबारा ऊपर लेके गया और फिर नीचे फेंका। इस तरह उसने 3-4 बार यही किया। फिर वे इरेन का मोबाइल मांगते हैं, लेकिन वो शेरलॉक के पास नहीं होता। तब मिसेस हडसन इरेन का मोबाइल निकाल कर देती है। असल में जब शेरलॉक मिसेस हडसन की हालत चेक करने गया था, तब उसने मोबाइल उसे पकड़ा दिया था। घाव की वजह से मिसेस हडसन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन शेरलॉक और वॉटसन कोई कॉमेडी करके उसको हंसा देते हैं। अब शेरलॉक फिर से वायलिन बजाने लगता है। वॉटसन चिढ़कर कहता है कि अबे मातम बनाना बंद कर, इरेन जिंदा है। वो तो मैं जानता हूँ, ये कहकर शेरलॉक खुशी खुशी इरेन को हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजता है। मैसेज देखकर इरेन बहुत ही खुश होती है। यहाँ शेरलॉक इरेन का फोन खोलकर देखता है कि शायद उसके स्टोरेज से कुछ मिल जाए, लेकिन इरेन ने इस फोन में कई सिक्योरिटी फीचर्स रखे होते हैं। शेरलॉक फोन स्कैन करता है तो उसमें कई मिनी बॉम्ब्स दिखाई देते हैं। शेरलॉक अलर्ट हो जाता है कि अगर ठीक तरीके से इसे अनलॉक ना करें और इसे तोड़ने की कोशिश करें तो बॉम्ब फट जाएंगी और सारी इन्फॉर्मेशन मिट जाएगी। अब तो पासवर्ड का पता लगाना ही होगा। इरेन ने इसे मेरे डोर नंबर 221B पर भेजा है, शायद यही पासवर्ड होगा। ये सोचकर शेरलॉक ट्राई करता है, लेकिन ये भी गलत पासवर्ड है। अब दो चांसेस बचे हुए हैं। तब शेरलॉक देखता है कि खिड़की खुली हुई है, अंदर कौन आया होगा। तब पता चलता है कि इरेन ही आई थी। वो शेरलॉक से कहती है कि मेरा मोबाइल लौटा दो, इसे मेरे अलावा कोई और अनलॉक नहीं कर सकता। शेरलॉक मना कर देता है, लेकिन आखिर में फोन उसे दे देता है। अब इरेन उसमें पासवर्ड डालती है, लेकिन उसका पासवर्ड भी गलत दिखाता है। इरेन शॉक होकर शेरलॉक को देखती है। तब शेरलॉक बताता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल जैसा दूसरा फेक मोबाइल है, उसमें तुमने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है और अब मुझे तुम्हारा पासवर्ड पता चल जाएगा। 1058 या ये ना तुम्हारा पासवर्ड। ये कहकर शेरलॉक असली फोन में नंबर डालता है, तो वो भी गलत पासवर्ड होता है। अब इरेन कहती है कि शेरलॉक तुम कितने भोले हो, इतने सालों से मैं उस मोबाइल को यूज कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कि वो असली है कि नकली। देखो शेरलॉक, अब एक ही चांस बचा हुआ है, चुपचाप फोन मुझे दे दो, मैं उसको अनलॉक कर दूंगी। अब शेरलॉक मोबाइल दे देता है और इरेन फोन अनलॉक करके कहती है कि ये क्रिप्टो मैसेज है, क्या तुम इसको डिकोड कर सकते हो। तब वॉटसन चाय पीकर कप नीचे रखने वाला होता है और कप नीचे रखने से पहले ही शेरलॉक पूरा मैसेज रिकॉर्ड कर देता है। ये क्रिप्टो मैसेज नहीं है इरेन, ये सारे एक फ्लाइट की सीट नंबर्स हैं। सीट नंबर्स अगर अल्फाबेट के तक हैं तो ये नंबर 50 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब कि ये बड़ी फ्लाइट है। ये फ्लाइट कल 6:30 बजे हैथ्रो एयरपोर्ट से निकलने वाली है। ये जानकर इरेन मोरेटी को मैसेज करती है। मोरेटी ये मैसेज माइक्रोफ्ट को भेज देता है कि वो एक जंबो जेट फ्लाइट है। मैसेज देखकर माइक्रोफ्ट टेंशन में आ जाता है। अब इरेन शेरलॉक को डिनर के लिए बुलाती है। शेरलॉक भी उसका हाथ पकड़ता है कि अचानक माइक्रोफ्ट के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। शेरलॉक इरेन की ओर मुड़ता है तो वो वहां नहीं होती। अब शेरलॉक माइक्रोफ्ट से मिलने जाता है, तभी हैथ्रो एयरपोर्ट में एक बड़ी फ्लाइट खड़ी होती है और शेरलॉक उसके अंदर होता है। फ्लाइट में उसके साथ पैसेंजर नहीं, कई सारे लाशें होती है। माइक्रोफ्ट बताता है कि यह हमारी सीक्रेट सर्विसेज का प्लान है, हमने जर्मन मिलिट्री का सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया है और हमें पता चल गया कि हैथ्रो एयरपोर्ट से निकलने वाली एक बड़ी फ्लाइट को जर्मन अटैक करने वाले हैं और उस फ्लाइट में जाने वाले लोग मरने वाले हैं। उस फ्लाइट को हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया तो जर्मन को पता चल जाएगा कि हम उनके सीक्रेट कोड डिकोड करने लगे हैं। ऐसा हुआ तो वे कोड बदल देंगे और हम उनके प्लान के बारे में नहीं जान पाएंगे, इसलिए हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फ्लाइट को अटैक करने का मौका उनका सक्सेसफुल रहा, लेकिन अपने प्लान के लिए हम लोगों की बलि नहीं चढ़ा सकते, इसलिए हमने मुर्दा घर से इतनी लाशें मंगवाई थी और इस फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड में उड़ाने वाले हैं। जर्मन इसे अटैक करके सोचेंगे कि उनका प्लान सफल रहा और निश्चित होकर अपना दूसरा प्लान बनाएंगे, हम उस प्लान को आसानी से फ्लॉप करवा सकेंगे। इस सीक्रेट प्लान के मैसेज को हमने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन इरेन ने उस मैसेज की फोटो खींच ली थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन तुमने उस मैसेज को डिकोड करके उसको बता दिया और वो चुप थोड़ी न रहने वाली थी। उसने न जाने किसके साथ ये मैसेज शेयर कर दिया और हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शेरलॉक, ये कहकर माइक्रोफ्ट बहुत ही मायूस हो जाता है। इरेन के मोबाइल में कई इन्फॉर्मेशन फाइल्स होती हैं जो इनके काम आ सकते हैं। इसी बीच इरेन खुद वहां पहुंच जाती है और कहती है, देखो माइक्रोफ्ट, अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई फाइल मेरे मोबाइल में है, अगर वो सीक्रेट फाइल पब्लिश हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई नहीं बचा सकेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन फाइल्स को मैं अपने मोबाइल में सेफ रखूंगी, तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी। माइक्रोफ्ट और शेरलॉक के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वे इरेन को धमकाकर पासवर्ड ले सकते थे, लेकिन अगर वो पासवर्ड गलत बता देती तो आखिरी चांस भी हाथ से निकल जाता और इंपॉर्टेंट फाइल्स मिट जाती। फिर वो शेरलॉक से कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन लगता है तुम सचमुच मुझसे प्यार करने लगे हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कोड को इतनी जल्दी डिकोड कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर शेरलॉक और मायूस हो जाता है। इस केस में तो शेरलॉक इरेन से हार चुका है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अरे दोस्तों, शेरलॉक को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इरेन अपनी धुन में लगी होती है और माइक्रोफ्ट को ऑर्डर देने लगती है कि मुझे नई आइडेंटिटी चाहिए और हाई लेवल सिक्योरिटी भी चाहिए। माइक्रोफ्ट भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन हमारा शेरलॉक अपना गेम शुरू करता है और इरेन का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगता है। शेरलॉक के पास जाते ही इरेन की पल्स और हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है। अब शेरलॉक कहता है कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, अगर एक्टिंग कर रही होती तो इस तरह तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा होता, समझी।
और रही बात इस मोबाइल को अनलॉक करने की, तो ऐसा कोई भी लॉक नहीं है जो शेरलॉक नहीं खोल सकता। यह कहकर वो बड़े ही आराम से पासवर्ड डालकर फोन अनलॉक कर देता है। एक्चुअली मोबाइल की स्क्रीन पर आईएम शब्दों के नीचे पासवर्ड के 4 स्पेसेस होते हैं और उनके नीचे लॉक लिखा होता है। और इरेन शेरलॉक पर इतना फिदा होती है कि उसने शेरलॉक का नाम ही पासवर्ड रखा होता है, मतलब आई एम शेरलॉक्ड। इसलिए शेरलॉक SHER करके अपने नाम के पहले 4 अक्षर डाल के फोन अनलॉक कर देता है और माइक्रोसॉफ्ट को फोन दे देता है। तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट की जान में जान आती है और वो मोबाइल की सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। काम होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट इरेन को मार भी सकता था, लेकिन इरेन को मारने के लिए बाहर कई सारे ग्रुप तैयार बैठे थे, इसीलिए वो इरेन को छोड़ देता है। शेरलॉक इरेन को चाहने लगा था, लेकिन अब वो अपना इरादा बदल देता है। बाहर एक टेररिस्ट ग्रुप इरेन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। उनमें से एक आदमी इरेन का सर काटने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन अचानक कहता है, जैसे ही मैं भागने को कहूँ तुम जल्दी से भाग जाना। इरेन को उस आदमी की आवाज जानी पहचानी सी लगती है, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये शेरलॉक ही है। तो अपना हीरो कहता है कि तुम क्रिमिनल ही सही, मेरी डार्लिंग हो, मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ। ये सुनकर इरेन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इस तरह शेरलॉक इरेन को बचा लेता है। अब इरेन अमेरिका में सेटल हो गई होती है और शेरलॉक ब्रिटेन में ही अपना काम कर रहा होता है। दोनों को यही उम्मीद होती है कि किसी दिन वे फिर मिलेंगे और फिर डिनर पर रोज जाएंगे। इसी के साथ ये 4th एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस एपिसोड में हम शेरलॉक का 5वां केस देखने वाले हैं। इस केस का फ्लैशबैक 20 साल पहले का है, जब बास्क्विले नाम की जगह में एक जंगल के बीच से एक छोटा लड़का और उसके पिता जा रहे होते हैं। अचानक पिता मर जाता है और लड़का डर के मारे भाग कर आता है। पूछने पर वो बताता है कि एक बड़े हाउंड ने पिताजी को मार डाला। हाउंड एक तरह का शिकारी कुत्ता होता है। शुरू में लोग इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन उस जंगल में जाने वाले कई लोगों ने उस हाउंड को देखा था। ये खबर हर तरफ फैलने लगी और जल्दी बास्क्विले हाउंड के लिए फेमस हो गया। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उस जंगल में कोई अकेला जाना चाहता था। क्या वहाँ ऐसा कोई खतरनाक हाउंड है या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? इसी सस्पेंस को अब शेरलॉक सॉल्व करने वाला है, आइए देखते हैं। लेकिन शेरलॉक लंदन में अपने घर में किसी और ही बात से परेशान है। उसका सिगरेट का पैकेट खो गया है। लगता है शेरलॉक पैकेट पर लिखी हुई वार्निंग नहीं पढ़ता है। लेकिन वॉटसन को शेरलॉक की बहुत ही फिक्र होती है। इस बुरी आदत से अपने दोस्त को बचाने के लिए वो सिगरेट का पैकेट छुपा देता है। बड़े बड़े केस सॉल्व करने वाला शेरलॉक अपना सिगरेट का पैकेट नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वो टेंशन में होता है। और जब आदमी टेंशन में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो दुकान जाकर भी सिगरेट खरीद सकता है, लेकिन घर से 2 किलोमीटर तक किसी भी दुकान में उसे सिगरेट नहीं मिलेगी। ये सब वॉटसन और मिसेज हडसन का ही प्लान है, क्योंकि वे जानते हैं कि शेरलॉक केस के बिना घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने वाला। अब शेरलॉक सोचता है कि सिगरेट ना सही, कोई इंटरेस्टिंग केस ही मिल जाए। वॉटसन भी इंटरनेट पर केस ढूंढता है। तब क्रिस्टी नाम की एक छोटी बच्ची का मैसेज आया होता है कि मेरा प्यारा पेट रैबिट खो गया है, उसका नाम ब्लू बेल है। खो जाने से पहले वो रात को चमक रहा था। शेरलॉक अंकल, प्लीज मेरा रैबिट ढूंढने में मदद कीजिए। शेरलॉक चिढ़कर कहता है कि मैं क्या यहाँ रैबिट ढूंढने के लिए बैठा हूँ? कोई इंटरेस्टिंग कत्ल का केस ढूंढो वॉटसन। तभी एक बार डोरबेल बजती है। शेरलॉक समझ जाता है कि डोरबेल बजाने वाला नर्वस है, इसलिए उसने एक ही बार बजाई। जरूर ये मेरे लिए कोई केस लाया होगा, उसे ऊपर बुलाओ वॉटसन। वो आदमी भी ऊपर आता है और अपना नाम हेनरी बताता है। सर, 20 साल पहले मैं अपने पिता के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहा था, वहाँ एक बड़े जानवर ने मेरे पिता को मार डाला। तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी, लेकिन बाद में कई लोगों ने उस जानवर को देखा। पर उस घटना के बाद मैं मानसिक रूप से बिखर गया था और कई साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। हमारे टाउन के पास एक बड़ी लैब है जहाँ जानवरों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट करके एक बड़ा जानवर पैदा कर दिया है। लेकिन शेरलॉक को उसकी कोई भी बात सच नहीं लगती। वो हेनरी को एनालाइज करके कहता है, देखो हेनरी, तुमने अपना ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया है, तुम्हारे होंठों पर केचप लगा हुआ है और वही तुम्हारी स्लीव्स पर भी लगा हुआ है। हेनरी तुरंत उसे साफ करता है। अब शेरलॉक कहता है, तुम्हारे रुमाल पर कॉफी के दाग लगे हुए हैं और उसमें कुछ नंबर्स भी हैं। तुम जरूर ट्रेन से आए हो और तुम्हारे पास एक लड़की भी बैठी हुई थी, उसी लड़की ने इस पर अपना नंबर लिखा है। तुम भी उस लड़की को पसंद करते हो, इसलिए तुम ये रुमाल लिए घूम रहे हो, लेकिन अब उसी रुमाल से केचप साफ कर रहे हो। मतलब अब तुम उस लड़की को जरूरी नहीं समझते। किसी वजह से तुम्हारा इरादा बदल गया है और तुम्हारी ड्रेस पर ट्रेन टिकट के पंच किए हुए टुकड़े लगे हुए हैं। मतलब तुम सुबह आने वाली पहली ट्रेन से लंदन पहुंचे हो। अगर इतने जल्दी आए हो तो इसका मतलब कल कोई बात हुई है। तुम मुझे सिर्फ उसके बारे में बताओ। शेरलॉक की डिटेलिंग देखकर हेनरी चौंककर बताता है कि 20 साल पहले जिस जानवर ने मेरे पिता को मारा, कल रात मैंने उस जानवर के पैरों के निशान देखे, इसीलिए मैं आपके पास भागकर चला आया हूँ। बोरिंग बोरिंग, तुम्हारा केस बहुत ही बोरिंग है हेनरी। ऐसा मत कहो शेरलॉक, सिर्फ तुम ही हो जो उस हाउंड से हमें बचा सकते हो। हाउंड, ये शब्द तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ये हुई ना बात, ये केस मैं जरूर लूंगा और जल्द ही तुम्हारे टाउन में पहुंच जाऊंगा। पता नहीं हाउंड शब्द सुनते ही शेरलॉक इस केस में इंटरेस्ट क्यों लेने लग गया। शेरलॉक और वॉटसन बास्कुले नाम के टाउन की ओर जाते हैं, लेकिन टाउन के अंदर जाने से पहले वे उस जगह के आसपास जाकर देखते हैं। पहले वे उस जंगल को देखते हैं और फिर
जंगल के आसपास की जेनेटिक सेंटर और लैब को देखते हैं। शेरलॉक को वो लैब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसे मिलिट्री बेस की तरह सुरक्षित रखा होता है। फिर वे टाउन के अंदर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करते हैं। वो कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता सर, लेकिन बाहर एक लड़का है जिसने उसे देखा है। अब शेरलॉक बाहर जाकर उस लड़के से बात करता है और वॉटसन रेस्टोरेंट के अंदर होता है। शेरलॉक पूछता है कि क्या तुमने उस हाउंड को देखा है, क्या इस बात का कोई सबूत है कि ऐसा कोई हाउंड है? लड़का कहता है कि मैंने उसे देखा है, लेकिन मैं तुम्हें सबूत क्यों देने लगा। तब वॉटसन बाहर आता है और शेरलॉक उससे कहता है कि अरे वॉटसन तुम आ गए, देखा मैं बैट जीत गया, अब चुपचाप 50 पाउंड मुझे दे दो। वॉटसन की कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बैट की बात कर रहा है। लड़का भी पूछता है कि ये क्या बैट है। शेरलॉक कहता है मैंने इससे बैट लगाई थी कि इस जंगल में कोई हाउंड नहीं रहता, और इस बात का सबूत भी तुम्हारे पास नहीं होगा क्योंकि ये अफवाह है। और यही सच निकला और मैं बैट जीत भी गया, तो निकालो मेरे 50 पाउंड। एक मिनट, मैं सबूत दिखा सकता हूँ। दरअसल यहाँ एक जेनेटिक लैब है जो मिलिट्री बेस की तरह बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह है। एक आदमी वहाँ से लौटा है और उसने मुझे बताया कि वहाँ चूहे कुत्ते जितने बड़े हैं और कुत्ते घोड़ों के साइज के हैं। ये कहकर वो एक कुत्ते का फुटप्रिंट दिखाता है जो घोड़े के फुटप्रिंट जैसा बड़ा होता है। शेरलॉक को अब लगता है कि हाउंड वाली बात सच्ची है। मौके का फायदा उठाकर वॉटसन कहता है, देखा अब तो मैं बैट जीत गया, निकालो 50 पाउंड। तो वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऐसा सोचकर शेरलॉक 50 पाउंड निकालकर उसको दे देता है। अब हेनरी को दिखाते हैं जिसने शेरलॉक को इस केस में इन्वॉल्व किया था। 20 साल पहले उसके पिता मर गए थे और तब से हेनरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे ठीक से याद नहीं होता कि उस दिन जंगल में क्या हुआ, उसे सिर्फ कुछ ही बातें याद होती है। हेनरी अपने डॉक्टर को बताता है कि मुझे लिबर्टीन शब्द याद आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पाती। यहाँ शेरलॉक और वॉटसन लैब में घुसने की सोचते हैं, लेकिन अंदर जाना इतना भी आसान नहीं। फिर भी हिम्मत करके वे अपनी कार में वहाँ पहुँचते हैं। गेट पर गार्ड शेरलॉक की आईडी मांगता है। शेरलॉक भी एक कार्ड निकाल कर देता है और गार्ड उसे मशीन में स्वाइप करके कहता है, सॉरी सर, आप प्लीज अंदर आ जाइए। अब ये देखकर वॉटसन चकित रह जाता है कि ये कौन सा कार्ड लेके घूम रहा है। असल में वो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऊंची पदवी पर है, इसलिए कार्ड को देखते ही गार्ड ने इन्हें अंदर अलाउ कर दिया। लिफ्ट में एक दो करके बेसमेंट फ्लोर के नंबर होते हैं। ये दोनों पहले बेसमेंट फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। वहाँ स्टेबलसन नाम की एक साइंटिस्ट होती है। शेरलॉक को ये नाम कहीं सुनावा लगता है। वो एक नोटबुक में ब्लू बेल लिखकर स्टेबलसन को दिखाता है। वो कहती है कि आपने जरूर मेरी बेटी से बात की होगी। अब शेरलॉक कहता है कि आपकी बेटी ने मुझे मैसेज किया है कि उसका नाम क्रिस्टी है और ब्लू बेल नाम का उसका पेट रैबिट खो गया है। सच बताइए कि उसके रैबिट के साथ क्या हुआ। स्टेबलसन कुछ नहीं कहती। इतने में शेरलॉक अपनी वॉच देखता है और वॉटसन से कहता है कि हमें यहाँ से अभी बाहर जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लेकर यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, ये लोग जल्दी पता लगा लेंगे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं हूँ। अब तक तो माइक्रोसॉफ्ट को भी अलर्ट पहुंच चुका होगा कि कोई उसकी आईडी लिए घूम रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जानता है कि शेरलॉक ने किसी काम के लिए ही उसकी आईडी ली होगी। वो शेरलॉक को मैसेज भेजता है कि ये कौन सा नया गोल खिला रहे हो छोटू, लेकिन शेरलॉक रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से बचने की कोशिश करता है। इतने में सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वो फंस जाते हैं। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, गाइस उसे छोड़ दो, वो सच में माइक्रोसॉफ्ट ही है, मैं उसे जानता हूँ, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, जाकर उसको चेक करो। अब इस तरह वो शेरलॉक को बचा लेता है। एक्चुअली डॉक्टर जानता है कि ये शेरलॉक और वॉटसन है, उसने वॉटसन के ब्लॉग भी पढ़े होते हैं और वो इन दोनों का फैन है। वो अपना कार्ड इन्हें देकर कहता है कि अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। लेकिन डॉक्टर, यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो मैं अभी नहीं बता सकता शेरलॉक, बाद में फुर्सत से बात करेंगे। फिर शेरलॉक और वॉटसन हेनरी के घर जाते हैं और वो बताता है कि उससे अक्सर लिबर्टीन जैसे शब्द याद आते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये शब्द मेरे दिमाग में क्यों आते हैं। हेनरी, तुम अपने शब्द अपने दिमाग में ही रखो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें आज रात ही उस जंगल के अंदर जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि वह हाउंड वहाँ है या नहीं। फिर शेरलॉक और वॉटसन अपनी कॉफी पीते हैं और रात होने पर तीनों उस जंगल में जाते हैं। जंगल बहुत ही डरावना दिखता है और हर तरफ धुआं होता है। हेनरी और शेरलॉक आगे चल रहे होते हैं और वॉटसन फुर्सत से पीछे चल रहा होता है। तब अचानक एक जानवर की आवाज आती है और वॉटसन शेरलॉक और हेनरी के पास जाने की कोशिश करता है। तब शेरलॉक और हेनरी उस हाउंड को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है। अब तक तो शेरलॉक इसे अफवाह ही समझ रहा था, लेकिन अब समझ जाता है कि सच में हाउंड है और बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। वॉटसन उनके पास आता है तो हेनरी बताता है कि हमने उस जानवर को देखा। शेरलॉक एकदम शॉक में होता है और वहां से चला जाता है। अब वे घर लौट आते हैं और हेनरी बार बार ये कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस जंगल में हाउंड है और अब तो शेरलॉक भी उसको देख चुका है। मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ यार। फिर शेरलॉक एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वॉटसन वहां आकर उसको पीना रोकता है। वॉटसन, मैंने उस जानवर को देखा था, उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका शरीर चमक रहा था। शेरलॉक, ये कहानियां किसी और को सुनाना, सच सच बताओ कि क्या हुआ। वॉटसन, मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। रहने दो शेरलॉक, तुम्हें सिगरेट की लत लग चुकी है इसलिए तुम आजकल ठीक से सोच नहीं पाते। शेरलॉक कहते हैं, अच्छा मैं सोच नहीं पाता। उस टेबल पर बैठे दो लोगों को देखो, उस आदमी का स्वेटर उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है और वो उसे पसंद भी
भी नहीं, फिर भी उसने वो स्वेटर पहन रखा है। उस पर सेंटा क्लॉज के रेंडर्स का डिजाइन बना हुआ है, मतलब वो क्रिसमस गिफ्ट है। स्वेटर के अंदर उसने जो शर्ट पहनी है वो बहुत ही पुरानी है और उसके शूज भी बहुत पुराने हैं। ये सब देखकर पता चलता है कि वो पैसे वाला नहीं है। उसके साथ एक औरत है जो उसकी पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग है। वो जरूर उसकी माँ होगी और उसने अपने बेटे को स्वेटर गिफ्ट किया होगा। उस औरत ने गले में एक चैन पहन रखा है जिसमें एक रिंग है। रिंग उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साइज की नहीं है, मतलब वो जरूर उसके पति की होगी। और अगर पति का रिंग गले में पहन रखा है तो इसका मतलब यह है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है। वो अपने पति से बेहद प्यार करती है और इसीलिए उसका रिंग गले में पहन के घूम रही है। स्वेटर वाला आदमी जरूर एक मछुआरा है क्योंकि मछली पकड़ने के हुक से उसके हाथों में कई घाव लगे हैं, लेकिन घाव जरा पुराना लगता है। इसका मतलब है कि कुछ दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी माँ को इस तरह लंच या डिनर पर ले जाकर खुश करना चाहता है और उसके जायदाद वगैरह को हथियाना चाहता है। वो आदमी बहुत कम खा रहा है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खा रही है। इसका मतलब है कि बिल वही भरने वाला है। अगर उसकी माँ बिल भरने वाली होती तो वो खूब जमकर खा रहा होता। उस औरत की ड्रेस पर कुत्ते के बाल लगे हुए हैं, मतलब घर में एक कुत्ता है जिसका नाम विस्की है। कुत्ते का नाम मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वे हमारे साथ ही ट्रेन में आई थी। मेरा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर चुका है और मैं अपनी सोच में बिल्कुल क्लियर हूँ, समझे? बापरे, इतना लंबा डायलॉग कैसे बोल दिया मैंने। लेकिन शेरलॉक आगे कंटिन्यू करता है, वॉटसन ये सच है कि मैंने उस भयानक जानवर को देखा और कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। शेरलॉक मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस हालत में मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे दोस्त हो? मैं शेरलॉक हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है, समझे? ये सुनकर बेचारे वॉटसन का दिल बैठ जाता है और वो चला जाता है। शेरलॉक रात भर इस बारे में सोच रहा होता है और सुबह होते ही हेनरी के किचन में जाता है। हेनरी आकर पूछता है कि तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हेनरी, मैं जरा शक्कर लेने आया था। ये कहकर वो थोड़ा शक्कर लेकर जाता है। फिर शेरलॉक वापस आकर वॉटसन से बात करता है, लेकिन वॉटसन उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वॉटसन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ? तुम तो ग्रेट शेरलॉक हो और तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है। तुम अकेले बात कर लो और अपना दिमाग लगाकर केस सॉल्व कर लो, मैं तो चला। ये कहकर वॉटसन जाने लगता है। तब शेरलॉक माफी मांगता है और कहता है, यार कल मैं बहुत ही टेंशन में था इसलिए ऐसा कह दिया, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मैंने उस जानवर को देखा था। और ये भी सच है कि मेरा नाम शेरलॉक है और मेरा कोई दोस्त नहीं, लेकिन एक आदमी है जो मेरा सच्चा दोस्त है और उसका नाम वॉटसन है। तब वॉटसन का चेहरा खिल जाता है। शेरलॉक बताता है कि हेनरी ने उस जानवर को हाउंड बताया था। हाउंड एक जानवर का नाम जरूर है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो एक शॉर्ट फॉर्म हो जिसे HOUND करके स्पेल किया जाता हो। हमें इस बात का पता लगाना होगा। ये कहकर दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाते हैं। तब वहाँ के एक रेस्टोरेंट में डिटेक्टिव ग्रेग आया होता है। उसे देखकर शेरलॉक चौंककर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई माइक्रोफ्ट ने भेजा है। वो जानता है कि तुम यहाँ कौन सा तीर मार रहे हो। अरे ग्रेग, तुमने डिटेक्टिव का काम छोड़कर ये काम शुरू किया है क्या? नहीं यार शेरलॉक, मैंने सोचा काम से जरा ब्रेक ले लूं। अगर पहले पता होता तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहीं वैकेशन बना लेता। अब शेरलॉक अपने रूठे दोस्त वॉटसन को मनाने के लिए उसे कॉफी बनाकर देता है और कहता है कि हमें वापस उस लैब के अंदर जाना होगा। नहीं शेरलॉक, पहली बार तो हम तुम्हारे भाई की आईडी लेकर चले गए थे और शुक्र है कि उस डॉक्टर ने हमको बचा लिया, लेकिन दोबारा वहाँ गए तो हम जरूर फंस जाएंगे। डरो मत वॉटसन, मेरा भाई माइक्रोफ्ट के होते हुए हम दोनों इंग्लैंड की किसी भी कोने में जा सकते हैं और वो भी बेझिझक। ये कहकर वो माइक्रोफ्ट को कॉल करता है और उस लैब में जाने की परमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सर्विस का चीफ होने के नाते माइक्रोफ्ट कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों उस लैब में जाते हैं और शेरलॉक कहता है कि यहाँ के लोगों को मैं संभालूंगा, तुम लैब में जाकर देखो कि वहाँ हाउंड जैसा कोई जानवर है या नहीं। वॉटसन अकेला अंदर जाकर लैब में चेक करता है, लेकिन एक लैब में वो लॉक हो जाता है और उसके एक्सेस कार्ड से दरवाजा भी नहीं खुलता। वो मदद के लिए चिल्लाता भी तो उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंचती। अचानक वहाँ की लाइट्स और भी तेज हो जाती है और एक आवाज आती है, फिर अचानक लाइट्स बंद हो जाती है। तभी एक जानवर की आवाज आती है और वॉटसन एक जगह जाकर छुप जाता है और शेरलॉक को कॉल करता है और कहता है कि मैं एक लैब में फंस गया हूँ और यहाँ एक जानवर की आवाज भी आ रही है। बातों के बीच वॉटसन उस जानवर को देख लेता है और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हाउंड ही है, लेकिन हाउंड से कई गुना बड़ा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। उसका पूरा शरीर चमक रहा होता है। फिर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जानवर वहाँ नहीं होता, उसकी जगह शेरलॉक वहाँ खड़ा होता है। वॉटसन कांप रहा होता है और कहता है, शेरलॉक मैंने अभी अभी उस हाउंड को देखा। ओहो शांत हो जाओ वॉटसन, तुमने कोई हाउंड नहीं देखा, वो तुम्हारा वहम है। शेरलॉक ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने भी तो उस हाउंड को देखा था और अब मैंने देख लिया है तो कहते हो वहम है। शेरलॉक कहता है, वॉटसन मैंने तुम्हें कॉफी बनाकर दी थी ना, उसमें मैंने एक ड्रग मिक्स किया था। उस दिन हेनरी के घर में हमने जो कॉफी पी थी उसमें यही ड्रग मिक्स था, इसलिए हमें जंगल में हाउंड दिखाई दिया। मुझे तो तभी शक हो गया था, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने हेनरी के किचन से शक्कर उठा ली और तुम्हारी कॉफी में डाल दी। मैंने जानबूझकर तुम्हें लैब में अकेला छोड़ दिया और यहाँ के साउंड सिस्टम में हाउंड की आवाज प्ले कर दी। तुम्हें भी वही इल्यूजन हुआ जो जंगल में मुझे हुआ था। अब दोनों शक्कर का टेस्ट करने के लिए लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ स्टेबलसन होती है। उसके पास एक रैबिट होता है जो चमक रहा होता है। तो स्टेबलसन, यही है तुम्हारी बेटी का रैबिट जिसे तुमने चुरा लिया है और उसमें जेनेटिक चेंजेस करके इस तरह चमका दिया। मुझे यह नहीं पता कि तुम इस बेचारे रैबिट के साथ क्या करने वाली हो, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूँ कि इस शक्कर में कोई ड्रग है या नहीं। स्टेबलसन की परमिशन से शेरलॉक शक्कर को टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उसमें तो कोई ड्रग ही नहीं है। शेरलॉक चौंक जाता है, तो फिर ये इल्यूजन क्यों हो रहा है? बड़ा हाउंड असली नहीं, सिर्फ दिमाग का
इल्यूजन है, अगर शक्कर में ड्रग नहीं है तो फिर किस में है? इस केस में शेरलॉक को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए शेरलॉक के पास एक टेक्निक है जिसका नाम है माइंड पैलेस। पूरी दुनिया में इस टेक्निक को जानने वाला अकेला इंसान शेरलॉक ही है। इस टेक्निक में वो अपने दिमाग में चल रही हर बात को विजुअल में इमेजिन करता है और ऐसा फील करता है जैसे वो खुद ही घटना स्थल में जाकर उन घटनाओं को देख रहा हो। हेनरी ने लिबर्टीन शब्द का जिक्र किया था, फिर हाउंड शब्द का प्रयोग किया। इन शब्दों को शेरलॉक बार बार अपने दिमाग में कई एंगल से इमेजिन करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि लिबर्टीन का मतलब है लिबर्टी इंडियाना, यानी लिबर्टी टाउन जो इंडियाना में है। और हाउंड जरूर कोई संस्था है। इस वक्त उसे नहीं पता कि हाउंड नाम की कोई संस्था है या नहीं, लेकिन अगर है तो इस लैब से उसका कोई कनेक्शन जरूर है। वे लैब के सिस्टम में हाउंड की डिटेल सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम ऑथोराइजेशन कोड मांगता है। स्टेबलसन बताती है कि वो कोड लैब के चीफ के पास होता है और इस वक्त वो यहाँ नहीं है, पर चीफ की डेस्क की चीजों को देखकर शेरलॉक खुद ही उस कोड को क्रैक कर लेता है। शेरलॉक का शक सही निकला, ये एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिसमें एक ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है। मानसिक तनाव वाले इंसान जब इस ड्रग को लेते हैं तो वे दिमाग में जो भी सोचते हैं वे उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे 5 मास्टरमाइंड्स हैं जो इसको चला रहे हैं। उन पांचों के सन नेम्स हैंसन, ओमेरा, उस्लोस्की, नार्डेर और डेसन है। इन नामों के पहले अक्षर से बनता है HOUND और इसलिए में शेरलॉक और वॉटसन को जिस डॉक्टर ने बचाया था वो भी सीक्रेट प्रोजेक्ट का मेंबर है। यहाँ हेनरी को इल्यूजन होने लगता है कि हाउंड उसको चेस कर रहा है और वो गन से हाउंड को शूट कर रहा होता है, लेकिन असल में वो घर पर ही होता है और अपने डॉक्टर को शूट करने की कोशिश करता है। जब वो अपने होश में आता है तो घबरा जाता है कि ये मैं क्या करने वाला था, इस तरह जिंदा रहने से अच्छा तो मरना ही है। ये सोचकर तेजी से जंगल की ओर भागता है। हेनरी की डॉक्टर वॉटसन को कॉल करके बताती है, तब शेरलॉक और वॉटसन भी जंगल की ओर भागते हैं। शेरलॉक ग्रेग को भी कॉल करके बुलाता है। हेनरी खुदकुशी करने वाला होता है लेकिन एन वक्त पर शेरलॉक और उसके साथी उसको बचा लेते हैं। शेरलॉक उसे समझाता है कि ये सब एक ड्रग की वजह से हो रहा है। वो कहता है, तुम झूठ बोलते हो शेरलॉक, मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो जानवर इनके सामने आता है। अब ग्रेग जानवर को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है और पूछता है, शेरलॉक ये कैसा जानवर है और वो भी इतना बड़ा? शेरलॉक भी शॉक में होता है कि कहीं ये सच में हाउंड तो नहीं। तभी ऐसा लगता है कि जानवर इनके पास आ रहा है और वे उसको शूट कर देते हैं। तब शेरलॉक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने मास्क पहना होता है। वो उस पर झपट कर उसका मास्क निकालता है तो वो आदमी और कोई नहीं लैब का डॉक्टर होता है। डॉक्टर अपनी नाक बंद करके खड़ा होता है। तब शेरलॉक समझ जाता है कि यहाँ की हवा में ही ड्रग है, इसलिए ये जगह हमेशा धुएं से भरी रहती है और धुएं में ये ड्रग मिक्स किया गया है। यहाँ की हवा में सांस लेने से ये ड्रग अंदर जाकर दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगता है। यकीन नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर मिलिट्री ऐसे खतरनाक और लोगों को पागल बनाने वाला प्रोजेक्ट कर सकती है। एक्चुअली हेनरी के पिता ने 20 साल पहले ही इस बारे में पता लगा लिया था। जब हेनरी और उसके पिता जंगल में जा रहे थे तो उन्हें पता चल गया था कि हवा में ड्रग है और हाउंड सच नहीं है, इल्यूजन है। उस दिन भी यही डॉक्टर मास्क पहनकर वहां आया था और हेनरी के पिता को मार डाला, लेकिन उस वक्त ड्रग वाली हवा में सांस लेकर हेनरी को यही लगा कि एक बड़ा जानवर उसके पिता को मार रहा है। मास्क पहनने की वजह से डॉक्टर को इल्यूजन नहीं हुआ, लेकिन नन्ना सा हेनरी इस एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया। उस दिन डॉक्टर की टी शर्ट में एक हाउंड जैसे जानवर का फोटो था और नीचे लिखा हुआ था HOUND लिबर्टीन। उसे कर हेनरी को लगा कि वो एक बड़ा हाउंड है जो लोगों को मार रहा है और यही बात उसने पूरे टाउन में फैला दी थी और बेचारा खुद भी बहुत परेशान रहने लगा था। उसके बाद कई लोग जंगल में गए और वे सब हाउंड के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए ड्रग वाली हवा में सांस लेकर उन्हें अपनी आंखों के सामने भी हाउंड ही दिखाई दिया। उस दिन के बाद हेनरी अक्सर जंगल में जाने लगा और वॉटसन की हवा के कारण हर बार उसे हाउंड ही दिखता था। मिलिट्री भी उसे इसी कन्फ्यूजन में रखना चाहती थी क्योंकि अगर वो सच्चाई जान गया तो पूरी दुनिया को मिलिट्री की करतूतों के बारे में पता चल जाएगा। जब वो जरा नॉर्मल हो जाता है तभी उसे लिबर्टी शब्द याद आते हैं। इतना ही नहीं, लैब का डॉक्टर जान गया था कि शेरलॉक और वॉटसन दोबारा लैब में आ रहे हैं, इसलिए उसने लैब की हवा में भी ड्रग छोड़ दिया था और इसी वजह से वॉटसन को भी हाउंड का इल्यूजन हुआ। इस वक्त भी उन्होंने जिस बड़े जानवर को शूट किया वो एक साधारण कुत्ता है। ड्रग वाली हवा में सांस लेकर कुत्ते को भी ये लोग मॉन्स्टर जैसा बड़े दिखा रहे हैं, इसीलिए वो इन्हें अटैक करने आया था। इन सब बातों को समझकर शेरलॉक दूसरों को भी बताता है। इसी बीच डॉक्टर बचकर भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक बॉबी ट्रैप में फंस जाता है और शेरलॉक के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं इसी ट्रैप में मर जाऊं। ये सोचकर वो अपना पैर हटाता है और बॉम्ब फट जाता है और डॉक्टर स्पॉट पर ही मर जाता है। इस तरह इस केस को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन लंदन वापस लौट जाते हैं। यहाँ माइक्रोफ्ट ने मोरारिटी को रेस्ट कर लिया है। पिछले एपिसोड में मोरारिटी ने ही माइक्रोफ्ट को मैसेज किया था कि जर्मन जंबो जेट फ्लाइट पर अटैक करने वाले थे। माइक्रोफ्ट ने रेन की फोन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवा ली थी, लेकिन जर्मन को धोखा देने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान चौपट हो चुका था, इसलिए मोरारिटी को कस्टडी में रखा गया था और अब उसे रिलीज कर दिया गया है। वो जिस सेल में था उसकी दीवारों पर हर तरफ एक ही नाम लिखा हुआ था और वो है शेरलॉक, शेरलॉक, शेरलॉक। जो भी हो, मोरारिटी रिलीज हो गया है और सोच रहा है कि शेरलॉक अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शेरलॉक भी हर चैलेंज के लिए तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों, यह एपिसोड खत्म होता है।
ये शेरलॉक का चौथा केस है। यही नहीं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस भी है। हर किसी का अंत जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये एपिसोड हमें यही सच्चाई बताएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जब से जॉन वॉटसन शेरलॉक से मिला है, तब से उसकी शारीरिक और मानसिक कमियां एकदम से गायब हो गई हैं। शुरू में वो हर हफ्ते साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करता था, लेकिन शेरलॉक से मिलने के बाद लगभग 1.5 साल तक उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब अचानक वो डॉक्टर से मिलने आया होता है। वॉटसन, क्या बात है, 1.5 साल से तुम मुझसे मिलने नहीं आए और अचानक आज मेरी जरूरत क्यों गई? डॉक्टर, वो बात यह है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड शेरलॉक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वॉटसन, ये क्या कह रहे हो, ठीक से बताओ प्लीज। फिर वॉटसन फ्लैशबैक बताना शुरू करता है और वही हम देखने वाले हैं। शेरलॉक और वॉटसन मिलकर कई केसेस सॉल्व करते हैं, जिसके लिए कई लोग उनका शुक्र अदा करते हैं और उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। गिफ्ट्स हाथ में लेते ही शेरलॉक पता लगा लेता है कि इसके अंदर क्या है, और ऐसे ही एक गिफ्ट को हाथ में लेते ही शेरलॉक जरा टेंशन में आ जाता है कि हे भगवान, ये गिफ्ट किस दुश्मन ने दे दिया। वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें वही कैप होती है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं। सब उसे कैप पहनने को कहते हैं और वो ना चाहते हुए भी उसे पहन लेता है, लेकिन उसका चेहरा लटका होता है। शेरलॉक, हम फोटो खींचने वाले हैं, प्लीज स्माइल करो। शेरलॉक बेमन से स्माइल करता है और आज के बाद वो प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं, क्योंकि पूरी पब्लिक उसे पहचान गई है और वो बहुत ही फेमस हो चुका है। इस वक्त मोरालिटी टावर ऑफ लंदन के अंदर जाता है, जहां बहुत ही कीमती सरताज, सिंहासन और राज अधिकार की चीजें होती है। मोरालिटी अपने आदमियों के साथ आता है और हेडफोन्स पर कोई गाना सुन रहा होता है। बबल्स गम चबाते हुए वो मोबाइल का एक बटन दबाता है और टावर ऑफ लंदन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। सीसीटीवी कैमरास को भी वो हैक कर लेता है। फिर वो पिगी बैंक जैसा एक बटन दबाकर बैंक ऑफ लंदन का सिस्टम हैक कर लेता है और वहां का वॉल्ट खोल देता है। बैंक वाले चौंक जाते हैं। फिर वो अपने मोबाइल पर प्रिजन जैसा एक आइकन क्लिक करता है तो लंदन के सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाती है। अब जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और सारे कैदी वहां से बच निकलेंगे। इस तरह पूरी सिटी में वो तहलका मचा लेता है। इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही ग्रेग तुरंत टावर की ओर जाता है। एक के बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैंक का सिस्टम और जेल का सिस्टम भी हैक कर दिया गया है। एक ही टाइम पर इतने सारे प्रॉब्लम्स को सुनकर वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो टावर ऑफ लंदन जाने का फैसला करता है। वहाँ मोरालिटी उन कीमती सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है जिसे कुल्हाड़ी या हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। मोरालिटी ग्लास पर गेट शेरलॉक करके लिख देता है, फिर अपना छोटा डायमंड निकालकर उसकी शार्प साइड ग्लास की ओर रखकर बबल गम से चिपका देता है। फिर एक फायर गैस सिलेंडर को उठाकर डायमंड पर जोर से मारता है और ग्लास टूटकर बिखर जाता है। तब वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन कीमती चीजें लेकर भागने के बजाय मोरालिटी सरताज पहनकर उस सिंहासन पर बैठा होता है। तब शेरलॉक को मोरालिटी का मैसेज आता है कि मेरे साथ गेम खेलने टावर हिलाओगे। यहाँ मोरालिटी को अरेस्ट करके कोर्ट ले जाते हैं। टावर में मोरालिटी ने गैट शेरलॉक करके लिखा हुआ था, इस वजह से शेरलॉक को भी कोर्ट आना पड़ता है। कोर्ट पहुंचकर शेरलॉक मुंह धोने बाथरूम में जाता है। वहाँ शेरलॉक का कैप पहनकर एक लड़की आकर कहती है कि शेरलॉक, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। शेरलॉक तुरंत उसे एनालाइज करके कहता है कि तुम मेरी फैन नहीं हो सकती, तुम्हारी कलाई पर प्रेशर मार्क लगा है, मतलब तुम बहुत देर टाइप करने वाला कोई काम करती हो। तुम्हारे हाथ में एक ऑयल बेस्ड इंक लगी हुई है जो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होती है, मतलब तुम एक जर्नलिस्ट हो। इतना ही नहीं, तुमने खुद अपने अंगूठे पर इंक लगाकर इस हाथ में निशान लगाया है। ये करके तुम मुझे टैश करना चाहती थी। तुम्हारे पॉकेट में मोबाइल है जिसमें हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही है और तुम मुझे फॉलो कर रही हो। कुछ ही सेकंड्स में इतना कुछ एनालाइज करने वाले शेरलॉक को देखकर जर्नलिस्ट शॉक होकर कहती है, शेरलॉक सर, आप बहुत ही जीनियस हो, ये मेरा कार्ड है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिए। फिर वो चली जाती है। अब सुनवाई शुरू होती है और पहले शेरलॉक को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम इस मोरालिटी को जानते हो। शेरलॉक कहता है कि इसे मैंने सिर्फ 2 बार देखा है। पहली बार ये बहुत ही ग्लैमरस ड्रेस और मेकअप पहनकर मुझको इम्प्रेस करने आया था। दूसरी बार इसने मुझे बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की और मैंने अपने बचाव में इसे गन दिखाई। दोनों बार इसने मुझे दिखा दिया कि ये कितना घटिया आदमी है। रिश्ते में तो ये दुनिया के सारे क्रिमिनल्स का बाप लगता है। नाम है मोरालिटी। फिर जज पूछता है कि शेरलॉक, तुम 2 बार देखकर कैसे कह सकती हो कि ये क्रिमिनल मास्टरमाइंड है? क्या तुम सच में उतने स्मार्ट हो जितना पब्लिक तुम्हें समझती है? अब ये सवाल सुनकर शेरलॉक चिढ़ जाता है और उस कोर्ट के जूरी मेंबर की ओर देखता है। उस कोर्ट में 12 जूरी मेंबर होते हैं जो ठीक से फैसला सुनाने में जज की मदद करते हैं। जूरी मेंबर को वो सिर्फ 5 मिनट देखकर वो जज के सवाल का जवाब देता है। इन जूरी मेंबर में 2 टीचर, 1 लाइब्रेरियन, 1 व्यापारी है। वहाँ जो बैठे हैं उनकी शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये आदमी तनाव से भरा काम करता है और वो एक बैंकर है। इस तरह वो वहाँ के हर जूरी मेंबर की सारी डिटेल्स बताने लगता है और ये देखकर तो जज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुनवाई के बाद शेरलॉक सोच रहा होता है कि अगर मोरालिटी चाहता तो वहाँ का सरताज और सोना लेकर भाग सकता था। बैंक का वॉल्ट वो खोल चुका था तो फिर वहाँ से उसने पैसे क्यों नहीं उड़ाए? सेंट्रल जेल का सिस्टम हैक करके वो दरवाजे खोल सकता था और सारे क्रिमिनल्स को आजाद करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिस्टम हैक करके पुलिस को डराया और फिर खुद ही उनके हाथों अरेस्ट भी हो गया। जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस बारे में शेरलॉक हर पल सोचता ही रहता है। सुनवाई के दौरान
वर्टी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, जूरी मेंबर भी उसे अच्छा बताते हैं। अब ठोस सबूत और गवाह न होने की वजह से मोरेटी को रिलीज कर दिया जाता है। शेलॉक भी जानता है कि ऐसा ही होने वाला है। वो कॉफी बनाकर किसी का इंतजार करते हुए वायलिन बजाने लगता है। तब मोरेटी आता है और टेबल पर रखी हुई कॉफी पीने लगता है। फिर वो कहता है, देखो शेलॉक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जेल का सिस्टम हैक कर दिया, बैंक का वॉल्ट भी खोल दिया। मैं चाहता तो आसानी से सारा पैसा लूट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उस सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बेटा शेलॉक, यहाँ सब जानते हैं कि सारे क्रिमिनल काम मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में मैं बेगुनाह साबित हो चुका हूँ। असल में मैंने उन सारे जूरी मेंबर को डरा धमका कर कोर्ट को भी अपने काबू में कर लिया है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी बैंक, आर्ट गैलरी या म्यूजियम नहीं है जिसे मैं हैक नहीं कर सकता। कहते कहते वो अपनी उंगलियां बजा रहा होता है और शेलॉक भी उसे नोटिस करता है। मोरेटी आगे कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और उस प्रॉब्लम का नाम है द फॉल। ये कहकर वो चला जाता है। अब मीडिया सवाल उछालने लगती है कि कोर्ट ने मोरेटी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। 2 महीने बाद एक दिन वॉटसन एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है, तब एक कार वहां कर खड़ी होती है। वॉटसन को लगता है कि इस माइक्रोफ्ट को कोई और काम नहीं है, जब देखो कार भेजकर मुझे बुलाता ही रहता है। अब कार में चढ़कर वो माइक्रोफ्ट से मिलता है तो वो उसे न्यूज़पेपर में दिखाता है। उसमें शेलॉक के पुराने दोस्त ब्रूक्स ने कुछ लिखा होता है कि शेलॉक असल में जीनियस नहीं है, वो एक फ्रॉड है। वो खुद ही केसेस तैयार करता है और फिर खुद ही उन केसेस को सॉल्व करने की एक्टिंग करता है। इस आर्टिकल को उसी जर्नलिस्ट ने पब्लिश किया होता है जो कोर्ट में शेलॉक से मिली थी। वॉटसन पूछता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। माइक्रोफ्ट कहता है, इससे भी बुरी बात तो यह है कि 4 खतरनाक खूनी हर वक्त तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। ये कहकर माइक्रोफ्ट 4 लोगों की फोटो दिखाता है। वॉटसन, मुझे लगता है ये मोरेटी का प्लान है, लेकिन माइक्रोफ्ट अगर ये मोरेटी का काम है तो अब तक तो मैं और शेलॉक मर चुके होते। तुम कुछ भी कह लो वॉटसन, ये मोरेटी जरूर तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल भी उसी का प्लान है। वॉटसन पूरा कंफ्यूज होकर घर लौटता है तो घर के बाहर एक एनवेलप पड़ा होता है। सील किए हुए एनवेलप को उठाकर वो आसपास देखता है तो उसे वही लोग नजर आते हैं जिनकी फोटोज माइक्रोफ्ट ने दिखाई थी। सब खतरनाक खूनी है और वॉटसन को वॉच कर रहे होते हैं। अब वॉटसन एनवेलप खोलता है तो अंदर सूखे ब्रेड का पाउडर होता है। वॉटसन उसे पॉकेट में रखकर घर के अंदर जाता है। वहाँ ग्रेग शेलॉक को एक इम्पोर्टेंट केस के लिए बुलाने आया होता है। फिर तीनों उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। अब 2 बच्चे लापता हो गए हैं और इसी केस के लिए शेलॉक उन बच्चों के घर जाता है। सर्च करने पर शेलॉक को एक सील्ड कवर मिलता है जिसके अंदर एक फेरी टेल बुक होती है। वहाँ की चीजों पर फ्लैक्स सीड ऑयल की बू आती है। फिर शेलॉक लाइट ऑफ करके यूवी लाइट ऑन करता है तो वहाँ हेल्प अस करके लिखा होता है और जमीन पर फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं। दरअसल फ्लैक्सी रॉयल यूवी लाइट में चमकते हैं। वे उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं लेकिन एक जगह पर निशान रुक गए होते हैं। अब शेलॉक बताता है कि वो जो भी है इस खिड़की से बाहर चला गया है। वॉटसन कहता है, तो शेलॉक ये फुटप्रिंट्स हमारे किस काम के। नहीं वॉटसन, इन फुटप्रिंट्स से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। ये कहकर वो फ्लैक्सी रॉयल से बना हुआ फुटप्रिंट कारपेट से काट निकालता है। फिर उसे लैब में ले जाकर टेस्ट कराता है और उस पर लगी हुई धूल को अलग करता है और धूल में उसे चौक, तार, रोड और ईंट के बारीक टुकड़े मिलते हैं। साथ ही कुछ खास तरह के पौधों के टुकड़े भी मिलते हैं। अब वॉटसन वहाँ की कुछ फोटोज देख रहा होता है। फिर वो उस सील्ड एनवेलप को खोलता है जो उन बच्चों के घर मिला था। यार शेलॉक, बिल्कुल ऐसा ही सील्ड एनवेलप हमारे दरवाजे पर भी पड़ा था। ये कहकर वो अपना एनवेलप निकालकर दिखाता है जिसमें ब्रेड के टुकड़े होते हैं। क्रिमिनल्स हमेशा अपने करतूतों के सबूत मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल तो हर जगह सबूत पे सबूत छोड़ रहा है। मतलब ये मोरेटी का ही प्लान है। इस बात को समझकर शेलॉक उन फुटप्रिंट्स को और गौर से चेक करता है। तब उसे उन फुटप्रिंट्स पर ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल PGPR मिलता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच पुलिस को एक फैक्स आता है कि जल्दी करो वरना वे मर जाएंगे। अब शेलॉक को तुरंत उन बच्चों की लोकेशन पता लगानी होगी। उसके पास अब 5 क्लूज हैं। पहला क्लू है चौक जिससे शेलॉक उस जगह को गैस करता है। अब अगला क्लू है तार, मतलब उस जगह के आसपास तार रोड है। ईंट के टुकड़े हैं, इसका मतलब कि वहाँ ईंट की बनी हुई कोई पुरानी बिल्डिंग है और वहीं आसपास खास तरह के पौधे भी उगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वो जगह एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास भी है। इन क्लूज को माइंड में रखकर वो हर चॉकलेट फैक्ट्री और पुरानी बिल्डिंग के आसपास सर्च करने को कहता है, लेकिन पूरा शहर छान मारने में पुलिस को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए शेलॉक होमलेस नेटवर्क की मदद लेता है। ये उन लोगों का नेटवर्क है जो नाम के लिए भिखारी हैं, लेकिन शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं और किसी का भी पता लगा सकते हैं। वे शेलॉक को कई फैक्ट्रीज के एड्रेस दे देते हैं। शेलॉक की आंखों के सामने आयरन मैन के प्रोजेक्शन की तरह पूरा मैप दिखाई देने लगता है। शेलॉक ध्यान से देखता है कि इन 5 क्लूज के साथ कौन सी जगह मैच करती है। तब उसे पता चलता है कि एडलस्टोन नाम की फैक्ट्री उन सब से मैच करती है और बच्चे जरूर वहीं होंगे। अब वे उस जगह पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को बचाते हैं। उनमें से एक बच्ची शेलॉक को देखकर डर के मारे चिल्लाती है। तब सली नाम की एक पुलिस ऑफिसर सोच
पूछती है कि ये छोटी बच्ची शेरलॉक से क्यों डर रही है। उस न्यूज़पेपर में तो लिखा था कि यही सारा क्राइम कर रहा है और फिर उन्हें सुलझाने की एक्टिंग कर रहा है, कहीं इसी ने इन बच्चों को किडनैप तो नहीं किया था। और फिर सिर्फ फुटप्रिंट्स को देखकर कोई जगह का पता कैसे लगा सकता है। इस तरह वो बेवजह कंफ्यूज हो रही होती है। शेरलॉक उसकी मन की बात जान जाता है लेकिन बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और कहता है वॉटसन तुम दूसरी टैक्सी में आना। ये कहकर वो अकेला उस टैक्सी में जाता है जिसमें एक छोटा मॉनिटर होता है। उसमें बच्चों के टीवी प्रोग्राम में मॉनिटर आकर कहता है कि हाय पार्टनर, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम नहीं है, प्रॉब्लम तो अब होने वाली है। ये सुनकर शेरलॉक घबराकर टैक्सी रोकने को कहता है। अब शॉकिंग बात तो यह है कि टैक्सी ड्राइवर खुद मॉनिटर है। ओके शेरलॉक, जल्दी फिर मिलेंगे। ये कहकर वो टैक्सी लेकर चला जाता है। शेरलॉक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन टैक्सी तेजी से निकल जाती है। इस चक्कर में शेरलॉक को पीछे से एक कार टक्कर मारने वाली होती है लेकिन एन वक्त पर कोई उसको बचा लेता है। थैंक यू सर, ये कहकर शेरलॉक उस आदमी से हैंडशेक करने वाला होता है कि अचानक उस आदमी को कोई दूर से शूट कर देता है। वॉटसन भी वहां आता है और उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। शेरलॉक, ये आदमी उन खूनियों में से एक है जो हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे भाई माइक्रोफ्ट ने मुझे उनकी फोटो दिखाई थी। मतलब चार खूनियों में से एक का खून हो गया। क्या कहते हो वॉटसन, अगर ये सच है तो इसने मुझे बचाया क्यों? मैं तो इसे हैंडशेक करने जा रहा था। इसे कौन शूट कर सकता है, इसमें जरूर कुछ बात है। बहुत सोचकर शेरलॉक इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये चारों मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे जिंदा रखने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। ये लोग हमेशा हमें वॉच कर रहे हैं, जरूर यहाँ कोई सर्विलेंस कैमरा है। फिर वो लैपटॉप खोलकर चेक करते हैं तो पास ही कैमरे का सिग्नल मिलता है। मतलब कैमरा घर के पास या फिर घर के अंदर ही लगा होगा। अब दोनों घर में ढूंढते हैं तो बुक शेल्फ के पास एक कैमरा होता है। तब मिसेस हडसन वहां आकर शेरलॉक का कुरियर देती है। खोलने पर उसमें एक जला हुआ बिस्किट होता है। वहां पुलिस ऑफिसर सैली ग्रेग को बताती है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है, सारे क्राइम्स वही कर रहा है। उसने उन दोनों बच्चों को किडनैप करके उस फैक्ट्री में रखा था, फिर एक जीनियस की तरह इतनी जल्दी उस जगह का पता लगाया और हम सबको उल्लू बना दिया। लेकिन ग्रेग जानता है कि शेरलॉक सचमुच बहुत ही जीनियस है और उसके जैसा जीनियस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन सैली ने सीनियर ऑफिसर से भी इस बारे में कंप्लेंट कर दी होती है और वे शेरलॉक को अरेस्ट करने के लिए ग्रेग पर प्रेशर बनाते हैं। फिर वे शेरलॉक के घर आकर शेरलॉक को फ्रॉड बताकर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वॉटसन कहता है मुझे भी शेरलॉक के साथ अरेस्ट कर लो। इनकी दोस्ती देखकर क्या आपको किसी दोस्त या सहेली की याद आती है जो हर हालत में आपका साथ देते हैं, या फिर क्या आप ऐसे दोस्त हैं जो दोस्त के लिए कुछ भी करेगा टाइप के इंसान है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि वॉटसन तुमने तो कोई गलती नहीं की तो मैं तुम्हें अरेस्ट क्यों करूं? गुस्से में वॉटसन ऑफिसर के मुंह पर पंच करता है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब वॉटसन कहता है इस गलती के लिए तो मुझे अरेस्ट करोगे ना? फिर दोनों को अरेस्ट करके गाड़ी में चढ़ा देते हैं। लेकिन ग्रेग उन्हें बचाने के लिए अपनी गन ढीली छोड़ देता है और शेरलॉक उसको चेन कर सबको धमकाता है लेकिन किसी के चेहरे पर डर नजर नहीं आता, वे सब चुप खड़े रहते हैं। फिर ग्रेग चिल्लाता है कि गाइस प्लीज उसकी बात मान लो और गन नीचे फेंक दो। वो एक जो कहता है वो करके दम लेता है। इस तरह सबका ब्रेन वॉश करके वो सबको निहत्ता कर देता है। तब शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से बच निकलते हैं। शेरलॉक लॉन्ग जंप हाई जंप सब कुछ करके भाग रहा होता है। बेचारा वॉटसन चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी तरह बंदर नहीं हूँ, मेरे बारे में तो सोचो यार। फिर शेरलॉक जरा रुक कर वॉटसन को भी साथ ले जाता है। तब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। शेरलॉक मुझे लगता है कि खून ही हमारा पीछा कर रहे हैं, चलो हम उन्हें देखते हैं। वॉटसन देख कर क्या करना है, हम दोनों जीकर कौन सा तीर मारने वाले हैं, चलो खुशी खुशी मरते हैं। ये कहकर शेरलॉक वॉटसन को खींच लेता है और सड़क के बीच में दोनों खड़े हो जाते हैं। तब एक बस तेजी से आकर इन्हें टक्कर मारने वाली होती है लेकिन एन वक्त पर एक आदमी आकर इन्हें बचा लेता है और यही शेरलॉक का प्लान था। अब शेरलॉक उस आदमी को पकड़कर पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसके कहने पर मुझे फॉलो कर रहे हो और हर बार मेरी जान क्यों बचा रहे हो? वो आदमी बताता है कि हम तुम्हें इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर की कोड्स हैं। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास कोई की कोड्स नहीं है। याद करो शेरलॉक, जब मोरेटी तुम्हारे घर आया था तो उसने तुम्हें कंप्यूटर की कोड्स दिए थे, उन कोड्स के जरिए हम किसी भी बैंक या जेल को हैक कर सकते हैं। शेरलॉक कहता है कि मोरेटी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। इसी बीच उस आदमी को कोई शूट कर देता है। तब पता चलता है कि मोरेटी ने शेरलॉक के पास कोई की कोड छोड़ दिया था जो खुद शेरलॉक भी नहीं जानता। अब शेरलॉक उस न्यूज को पढ़ता है जिसमें उसके पुराने दोस्त ब्रूक्स ने बताया होता है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है। दोनों उस आर्टिकल को पब्लिश करने वाले जर्नलिस्ट के पास जाते हैं। शेरलॉक जर्नलिस्ट से पूछता है कि ये किस ब्रूक्स का इंटरव्यू छापा है तुमने, इस नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता। तभी वहाँ ब्रूक्स आता है, लेकिन ये तो मोरेटी है, ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि शेरलॉक हम बुरी तरह फंस गए हैं, प्लीज मुझे मोरेटी मत कहो, मेरा नाम ब्रूक्स है और मैं टीवी पर बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ। इस बात के सारे सबूत मैंने इस जर्नलिस्ट को दे दिए हैं, तुम चाहो तो खुद देख लो। प्लीज शेरलॉक सबको सच बता दो, तुम ही ने मुझे मोरेटी की एक्टिंग करने को कहा था राइट, और उन दोनों बच्चों को हम दोनों ने मिलकर ही किडनैप किया था। शुक्र है सब हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ, उन फुटप्रिंट्स को लैब में टेस्ट करने के बहाने तुमने जरा टाइम वेस्ट किया और पुलिस को बुद्धू बनाकर हमारे अड्डे तक ले आए। अरे शेरलॉक हम दोनों कितने सालों से काम कर रहे हैं, हम खुद ही क्राइम सीन क्रिएट करते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस तुम्हें बुलाती है और तुम आकर ही क्राइम को खुद सॉल्व कर लेते हो। वर्ल्ड फेमस होने का तुम्हारा लक्ष्य आखिरकार पूरा हो ही गया।
लेकिन शेरलॉक अब हमारी पोल खुल चुकी है और एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं, इस तरह मॉरेटी झूठ पर झूठ बोल रहा होता है। तब वॉटसन चिढ़कर कहता है, ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हो मॉरेटी, मैं शेरी का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। मॉरेटी कहता है, शेरलॉक तुम्हें भी उल्लू बना रहे हैं वॉटसन। अब शेरलॉक को बहुत गुस्सा आता है, मॉरेटी डरने की एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन शेरलॉक और वॉटसन उसे कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वह जर्नलिस्ट के घर पर होते हैं और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो मीडिया ने झपट पड़ेगी। ये सोचकर दोनों वहां से निकलते हैं। फिर शेरलॉक अकेला लैब में जाता है। शेरलॉक मॉली से कहता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मॉली चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहा है। वॉटसन माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है तो वो बताता है कि मॉरेटी के पास की कोड्स हैं जिससे किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। हमारे लाख कोशिश करने पर भी ये नहीं पता लगेगा की कोड्स उसने कहाँ छुपा कर रखे हैं। जेल के सेल में भी उसने सिर्फ शेरलॉक का नाम लिखा हुआ था। पूछताछ के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने शेरलॉक के कुछ पर्सनल डिटेल्स मॉरेटी को बता दिए थे। उन्हीं डिटेल्स से मॉरेटी ने ब्रूक्स नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया जो शेरलॉक के बचपन का दोस्त था। सच्चाई जानकर वॉटसन शेरलॉक से मिलने लैब में जाता है और सबसे पहले इन्हें ये साबित करना होगा कि ब्रूक्स नाम का कोई नहीं है, तभी शेरलॉक की इमेज पर लगा हुआ कलंक मिटेगा। शेरलॉक सोचता है कि मॉरेटी ने मेरे पास कोई की कोड छोड़ा है जो मैं खुद भी नहीं जानता। तब वॉटसन टेबल पर अपनी उंगलियां बजा रहा होता है, उसे देखकर शेरलॉक को याद आता है कि जब मॉरेटी घर आया था तो वो भी इसी तरह कुछ उंगलियां बजा रहा था। दरअसल वो 0 और 1 से बना हुआ बाइनरी कोड है। जब उंगली टेबल पर लगती है तो की कोड 1 होता है और जब उठती है तो उसका मतलब है कि की कोड 0। इस तरह शेरलॉक उस की कोड को पता लगा लेता है और मॉरेटी को मैसेज करता है कि तुम लैब के रूफ पर आ जाओ। ये बातें वॉटसन नहीं जानता। अब वॉटसन को कॉल आता है कि मिसेस हडसन को किसी ने शूट कर दिया है। वो शेरलॉक को बुलाता है लेकिन शेरलॉक कहता है मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ। शेरलॉक ये तुम क्या बोल रहे हो, मिसेस हडसन को उस दिन किसी ने जरा सी खरोंच पहुंचा दी थी और तुमने उस टेररिस्ट को 3 बार बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और अब उन्हें किसी ने शूट कर दिया है और तुम जाकर देखोगे भी नहीं। मेरा दिमाग मत खाओ वॉटसन, प्लीज तुम जाकर देखो। अब वॉटसन कंफ्यूज होकर चला जाता है। फिर मॉरेटी लैब के रूफ पर आ जाता है। अब शेरलॉक भी वहां आकर कहता है ये केस खत्म हो गया, मैं तुम्हारे की कोड जान गया हूँ और मैं किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि ब्रूक्स नाम का कोई नहीं है और ये तुम्हारा ड्रामा है। इससे पहले कि मैं वो सब करूँ तुम खुद ही अपनी हार मान लो और ये भी सुन लो कि ये केस मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अरे मेरे मासूम शेरलॉक, की कोड्स नाम की कोई चीज नहीं होती, जिंदगी में पहली बार तुम मुझसे हार गए हो। अब तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैंने बैंक टावर और जेल को कैसे हैक किया, तो सुन लो, हर जगह पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी मदद से मैंने दरवाजे और वॉल्ट खोल दिए। की कोड्स करके कुछ नहीं होता और ये सब साबित हो गया कि तुम्हारा अनुमान गलत था। तुम हार चुके हो शेरलॉक, पूरी दुनिया अब यही सोचती है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दो। लोग यही समझेंगे कि शेरलॉक अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये खबर मैं भी सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने कूदने के बजाय कोई भी चालाकी की तो मेरे आदमी मिसेस हडसन, वॉटसन और ग्रेग को तीनों को खत्म कर देंगे। अब बेबस होकर शेरलॉक रूफटॉप के एज पर खड़ा हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मॉरेटी कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर में शेरलॉक खुशी से हंसने लग जाता है। मॉरेटी पूछता है कि ऐसे क्या खुशखबरी है शेरलॉक। शेरलॉक कहता है कि तुम अपने आदमियों को ऑर्डर दोगे तभी तो मेरे साथियों को मार डालेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं तुम्हें ऑर्डर देने से रोक लूं तो फिर वे बच जाएंगे, है ना? मजाक मत करो शेरलॉक, तुम्हारे भाई माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे बहुत बार टॉर्चर किया है लेकिन किसी भी हालात में मेरा मुंह नहीं खुला। मॉरेटी तुम भूल रहे हो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं शेरलॉक हूँ। इतना ही नहीं, तुम और मैं अलग अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं, समझे मॉरेटी? शेरलॉक के मुंह से ये बात सुनकर मॉरेटी बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरे रहते तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो गन निकाल कर खुद को शूट कर लेता है और वहीं मर जाता है। शेरलॉक को विश्वास ही नहीं होता कि मॉरेटी मर चुका है, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि शेरलॉक के मरने की खबर मॉरेटी के आदमी तक पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें ये खबर मिली तो ही वे मिसेस हडसन, वॉटसन और ग्रेग को जिंदा छोड़ पाएंगे। पर अगर उन्हें पता चल गया कि शेरलॉक जिंदा है तो वे उन तीनों को जरूर मार डालेंगे क्योंकि मॉरेटी ने उन्हें यही ऑर्डर दिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए शेरलॉक बिल्डिंग से कूदने को तैयार हो जाता है और एज पर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ वॉटसन मिसेस हडसन को देखने जाता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि मिसेस हडसन को शूट कर दिया गया है। पर ये क्या, मिसेस हडसन तो भली चंगी है। वॉटसन को शक हो जाता है कि शेरलॉक किसी मुसीबत में है। वो तेजी से लैब की ओर बढ़ता है, तब उसे शेरलॉक का कॉल आता है। वॉटसन कहता है यार शेरलॉक कहाँ हो तुम, मैं ऊपर छत पर ही हूँ वॉटसन। वॉटसन पूछता है कि तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। मुझे माफ कर दो वॉटसन, असल में मैंने ही मॉरेटी नाम के कैरेक्टर को क्रिएट किया था। मॉरेटी और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। सच में मैं ही ये सारे केसेस क्रिएट करता था और फिर उन्हें सॉल्व भी करता था। ये सब मैंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया। मैं कोई जीनियस नहीं, मैं एक फ्रॉड हूँ। शेरलॉक ये क्या बकवास किए जा रहे हो, हमारी पहली मीटिंग याद है, मुझे देखते ही तुमने मेरी पूरी डिटेल्स बता दी थी। नहीं वॉटसन, उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में पहले से पूछताछ कर रखी थी। झूठ मत बोलो शेरलॉक, हम दोनों ने मिलकर कितने सारे केसेस सॉल्व किए हैं और तुम फ्रॉड नहीं जीनियस हो। प्लीज नीचे आ जाओ, फिर
जो हम दोनों बैठकर बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, ओके। लेकिन शेरलॉक बिना जवाब दिए वहां से कूद जाता है और वॉटसन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक साइकिल वाला उसे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। किसी तरह उठकर वो शेरलॉक के पास भागता है। लहूलुहान हालत में शेरलॉक वहां पड़ा होता है। अब शेरलॉक का चेहरा देखकर जब वॉटसन को पता चलता है कि वो सच में मर चुका है, तो वो बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और इस तरह शेरलॉक की मौत हो गई, ये कहकर वॉटसन डॉक्टर को पूरा फ्लैशबैक सुना चुका होता है। डॉक्टर अब कहे भी तो क्या कहे, हमेशा एक साथ रहकर और एक साथ हर केस को सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। शेरलॉक के बिना वॉटसन की जिंदगी सूनी सी सूनी हो गई। मीडिया और न्यूज़पेपर्स वाले शेरलॉक को फ्रॉड कहकर उसका अपमान कर रहे थे, साथ ही उसे बुजदिल की तरह खुदकुशी करने के लिए कोस भी रहे थे। अब ये देखकर माइक्रोफ्ट को भी बहुत तकलीफ होती है। वॉटसन और मिसेस हडसन शेरलॉक की कब्र पर जाते हैं और मिसेस हडसन रोने लगती है कि शेरलॉक बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था, उन्हें शेरलॉक से बहुत ही लगाव था। वॉटसन भी बहुत दुखी होता है क्योंकि शेरलॉक से मिलने से पहले वो अकेला था, लेकिन उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन शेरलॉक के साथ रहने के बाद अब अचानक अपने दोस्त को खोकर वो बेचारा बहुत ही परेशान है। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, ये सोचकर वॉटसन मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब इस दृश्य को दूर से कोई देख रहा होता है और वो कोई और नहीं शेरलॉक ही है। लेकिन बिल्डिंग से छलांग मारकर शेरलॉक जिंदा कैसे रहा, शेरलॉक ने मरने का नाटक क्यों किया और ये बात अपने फ्रेंड वॉटसन से क्यों छुपाई, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस सस्पेंस को तो हम आने वाले एपिसोड में ही खोलेंगे, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस नए चैनल को आपके कमेंट्स की भी जरूरत है। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।